ओडिशा रो सबु मदुआ मानक पई आसिला खुशी रो खबर। दीर्घ दुई मास रो अपेक्षा परे मदुआ माने पूणी पी परिबे मद। खूब शीघ्र ओडिशा रे खोलिबाकु जाउची मद दुकान। कैसा लगा मेरा मजाक? नमस्कार मान्यवर मान्यवर, आज मु आपण मानंग पई नंगा नंगा चोखा चोखा वीडियो सबु नेई के आसीची। वीडियो को लास्ट जाय देखंतु, कारण लास्ट रे आपण मानंग पई गोटे बढ़िया खुशी खबर अछि। आउ ता आगरु मो चैनल टा को सब्सक्राइब कर दियंतु, आउ वीडियो टा भलो लागिले टिके लाइक कर देबे। ताहाले आउ बेसी जोड़ी नहि चालंतु आरंभ करबा आजिर भाडुआ। कोरोना पाई जेते बले सारा देश रे लॉकडाउन घोषणा करा गला, सेते बले आमर मदुआ भाई मनकर कोरोना पाई जेते के टेंशन नथिला, ताटू बेसी टेंशन थिला जे सेमाने मद कोठु पाइबे आउ मद केमिति पीबे इत्यादि इत्यादि। तापर एते सब दुख भितरे आमर मदुआ भाई जणे निजर दुख को बखाणी आमर प्रधानमंत्री को रिक्वेस्ट करी सोशल मीडिया रे गोटे वीडियो पोस्ट करले। हेलो दोस्तों, मुझे मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर वाइन सब दो घंटे के लिए चालू रखें, क्योंकि 140 रुपए वाला क्वार्टर हम 700 रुपए में पी रहे सर। आप मेरी बात को समझो, आप हम आपसे रिक्वेस्ट करते सर, आप इतने बड़े पोस्ट पे बैठे, हम जैसे गरीब लोग के लिए थोड़ा मदद कर दो सर, दो घंटे के लिए वाइन सब चालू रखो। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? की दुख है भाई कर? अब बुझले मान्यवर, अब मत्ते जहाँ लागू जी ये भाई करो दुखों को बोधे नौ देखी पड़ी, पूरी थोड़े मौतों दुकान गुड़ा को खोली देले, आ नौहले देखूँ ना तो की दुखो आ हालो। तापरे मान्यवर ये भाई करो चिंताधारा को माननी बाकु पड़ी बो, माने अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर यूज करिया को कुहा जाई ची बोली, ये कुआरे मौतो पी की पूरा भित्तरो सैनिटाइज हेबे बोली कहो चो। ओह नो सर, अल्कोहल है ना सर, इसमें भी अंदर से सैनिटाइजर करेगा ना सर, अंदर से कोरोना वायरस को ऐसा उखाड़ के फेंक देगा सर बाहर। सतरे मान्यवर, ए सळे मदुआ मानकु मद पीबा पई खाली गोटे गोटे बहाना दरकार, माने टेंशन थिले मद पीबे, खुशी हे गले मद पीबे, मांडू को जदि प्रपोज करिया थिबो से टेंशन रे मद पीबे, मांडू सेटिंग हे गले खुशी रे मद पीबे, मांडू छाडी की चली गले दुख रे मद पीबे, एग्जाम थिले टेंशन रे मद पीबे, एग्जाम सरी गले खुशी रे मद पीबे, रिजल्ट भारीबार टेंशन रे मद पीबे, रिजल्ट भलो हे गले मद पीबे, रिजल्ट खराब हेले मद पीबे, माने मद पीबा पई मदुआ मान एते प्रकारर बहाना थाए जे से सबु आगरा हम मुंडर बाळ भी कम पड़ी जीवो। आउ एते दिन दुखरे बितिला परे जेते बेले घोषणा करा गला कि मदो दुकान खोला हबो बोली, लोके आउ सकाळ जाय अपेक्षा करिके रही पारिले नाही। किए रात्रि आसी दुकान आगरे लाइन लगेले तो आउ किए भोर भोर आसी दुकान आगरे लाइन लगे ठिया हई गले। 6 बजे से आके बैठे हैं लगे हैं, और मेरे कुछ दोस्त सुबह 4 बजे भी आके लगे हैं। एबे चालों तो देखियो मान्यवर, ए भाई जनों का मद्दो दुकान खोला आवारो खुशी रे कौन कहो छंती। दो महीने से वेट कर रहा हूँ दुकान का खुलने का, पता नहीं ये दुकान कब खुलने वाले, कल मैंने न्यूज़ में सुना है, मैं सुबह से आके वेट कर रहा हूँ, जैसे ही दुकान खुलेगी मैं 4 से 5 कमरे लूंगा, घर पे जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, 2 किलो चिकन लूंगा, उसके साथ में मस्त से चकना बना के पी के आराम से खाऊंगा, सोऊंगा, फिर उठूंगा, पीऊंगा, फिर सोऊंगा, उठूंगा, पीऊंगा, बस अब मुझसे नहीं रहा जाता है। जल्दी करके सरकार ये खोल दे, बहुत अच्छा निर्णय लिया है सरकार ने खोलने का, बस जल्दी से खोल दिया, रहा नहीं जाता। हे प्रभु, ए भाई बोता राति सारा सोई नांती, माने केमिति सकाळ हबो मद दुकान खोलिले मद किणी को उपाय रे पीबे से सबु राति सारा प्लानिंग करी चंती। आ खाली कोन मदुआ माने खुशी रहतिले कि ना, म तांको सह मद दुकानी मानकर खुशी भी किछि कम नथिला, माने कोठी बाजा बजेई नडिया फटेई दुकान खोलिले तो आउ कोठी बाण फुटे ईश्वर रूपी गराखंक ऊपर पुष्प वर्षण करे मदुआ को स्वागत जणैले।
ତାପରେ ମାନ୍ୟବର ମଦ କିଣିବା ପାଇଁ କୋଉଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂକୁ ମାନି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ମଦ କିଣିଲେ ତ ଆଉ କୋଉଠି ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂର ମା ଭଉଣୀ କରି ଠେଲା ଫେଲା ହେଇ ଚଢା ଚଢି ହେଇ ମଦ କିଣିଲେ। ମାନ୍ୟବର ମଦ ଟିକେ ପିଇବା ପାଇଁ ଖାଇ ଆମର କେତେ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ କରି ମାନେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇ ଚଢା ଚଢି ହେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରାରେ ଠିଆ ହେଇ ଦୋକାନ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚି ଗୋଟେ ମଦ ବୋତଲ ହାତରେ ଧରିଦେଲେ, ତାପରେ ଆଉ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ଦୋକାନ ଆଗରେ ହିଁ ମଦ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମାନେ ଦେଖ ଏ ଭାଇଙ୍କୁ ମାନେ କିଏ ଷ୍ଟାଇଲରେ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି, ଏଲୋ ବାପ ମାନେ ଗୋଟେ ପଟେ ମଦ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ପାଣି ପାଉଛୁ, ମାନେ ଦିଟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ମିକ୍ସ ହେଇ ଭିତରକୁ ଯାଉଛି। ହେଲେ ମାନ୍ୟବର ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମେନ୍ ଖେଳ, ମାନେ ମଦ ପିଇ ସାରିବା ପରେ ମଦୁଆ ଭାଇମାନଙ୍କର କେତେ ପ୍ରକାରର ଡ୍ରାମା ସବୁ ଆପଣମାନେ ଏବେ ଖାଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ସତରେ ମାନ୍ୟବର ଏ ନାଲି ପାଣି ଭାରି ଅଜବ ଜିନିଷ, ମାନେ ନାଲି ପାଣି ଟିକେ ପଡିଗଲେ କୁକୁର ବି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଭଳି ଲାଗେ। ଆଲୋ ଆଲୋ, ଆମ ନାନୀ ମାନେ ବି ଲାଇନ ଠିଆ ହେଇ ପଡୁଛନ୍ତି। ନାନୀ ଆ ତମକୁ ଖରାପ ଲାଗୁନି, ଆ ତମେ ଘରୁ ବାହାରି ମଦ ଦୋକାନ ଆଗରେ ଲାଇନ କରି ଠିଆ ହଉଛ ମଦ କିଣିବ ବୋଲି? ମାଉସୀ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି, ମାନେ ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଠିକ କଥା, ସେଟା ସେମାନଙ୍କ ଚଏସ, ସେମାନେ ଯାହା ବି କରିପାରିବେ। ବୁଝିଲ ନାନୀ, ଆ ତମେ ମଦ କିଣ 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 ଯେତେ ପାରୁଛ ମଦ କିଣ, ତା ସହିତ ବି ଚାଖିଣା କିଣ, ତମକୁ କିଏ ମନା କରୁଛି ଯେ? ହଁ ସେଠି ଯଦି ନାନୀ ମାନେ କିଣିପାରିଲେ ତମେ ମାଉସୀ ମାନେ କାହିଁ ଛାଡିବ? ହଁ ତମେ ବି କିଣ କିଣ। ମାନେ ଏବେ ଆସିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମର ମଦୁଆ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆମର ମଦୁଆ ଦୋକାନୀ ମାନେ ସବୁ ସଜବାଜ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ମାନେ ମଦ ଦୋକାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୋକାନ ଆଗରେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କଣ ହବ ମାନ୍ୟବର, ଆମର ଯୋଉ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାତାରାତି ଗୋଟେ ଖେଳ କରିଦେଲେ, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତ ଦେଖିବା ଆମର ମଦୁଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଏ ଦୁଃଖରେ ଆଉ ସହି ନ ପାରି ଆମ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ଭାଇଙ୍କର ଗୀତ ଶୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ମାନେ କେହି ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, କେହି ବି ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁସି ଖବର ଆଣିଛି। ମାନେ ଖବରଟା ଏହା କି ଯେ ମତେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ମିଳିଛି, 2 ତାରିଖରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହଉଛି। ତମେମାନେ ସବୁ ରେଡି ଥାଅ, 2 ତାରିଖରୁ ମଦ ଦୋକାନ ଖୋଲା ହବ, ତମେ ମାନେ ମଦ କିଣିବ ଆଉ ଢକ 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 କରି ପିଇ ଯିବ। ହର ମହିନେ ମେ 2 ତାରିଖ ତ ହୋତି ହେ ନା।